हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन EDU एरो विद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फ्रेंड्स, इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसका दिमाग आइंस्टाइन और न्यूटन से भी तेज दौड़े, पर भगवान ऐसा टैलेंट हर किसी को नहीं देता। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके पास ऐसा टैलेंट होता है, और ज्यादातर लोग अपने दिमाग की वजह से ज्यादा वाहवाही लूटते हैं, जो हार्ड से हार्ड पजल्स, क्वेश्चंस सब सॉल्व कर देते हैं। लेकिन वास्तव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसा दिमाग होते हुए भी वो एक समुद्र में पड़े हुए मोती की तरह होते हैं, जिसको आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। आमतौर पर ये छुपे रुस्तम वो होते हैं जिन्हें अपने टैलेंट का पता ही नहीं होता, जरा भी आइडिया ही नहीं होता कि उनके पास कितना टैलेंट है, और वो ये सोच कर जीते हैं कि हर दूसरा इंसान उनसे ज्यादा स्मार्ट है। इस बीमारी को सेल्फ डेप्रिकेशन या अननेसेसरी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और अगर आप इस बीमारी के शिकार हैं, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर सच में कितना टैलेंट है या फिर आप कितने बेवकूफ हो, तो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपका दिमाग और आपका IQ कितना तेज है या कितना कम है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स, जिसमें से अगर एक भी आपके ऊपर लागू होता है तो समझ जाना कि भले ही IQ के मामले में आप अपने आप को जमीन पर गिरा हुआ देखें, पर असल में आप एक हीरा हैं। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। साइन 1, आप बहुत लेजी और अनऑर्गेनाइज्ड हैं। अगर आपका रूम और कबर्ड देखकर ऐसा लगता है कि जैसे भूकंप आ गया हो, तो चांस है कि आप बहुत स्मार्ट हो। हमको ये सिखाया जाता है कि हर चीज एक ऑर्गेनाइज तरीके से करनी चाहिए, और ऐसा करने का मतलब ये नहीं है कि आप गधे हो। एक्चुअली साइंटिफिकल स्टडी ये कहती है कि जो लोग आम तौर पर अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, और किसी चीज को करने के लिए नए और इनोवेटिव आइडियाज ज्यादा जल्दी ढूंढ पाते हैं। जब हम किसी चीज को तरीके से करते हैं, तो हमारा दिमाग एक सेट पैटर्न पर काम करता है। लेकिन अगर वहीं आप बहुत डिसऑर्डरली तरीके से काम करते हो, तो ये प्रूव हो जाता है कि आपका दिमाग हर डायरेक्शन में चलता है, ना कि सिर्फ एक पैटर्न पे। तो अगली बार अगर आपकी मम्मी आपका गंदा रूम देखे और आपके ऊपर चिल्लाए, तो उन्हें वीडियो जरूर दिखाना। साइन 2, बैकग्राउंड नॉइज से आपका कंसंट्रेशन टूटता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज्यादा शोर में या पढ़ाई में कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये है कि आप असल में बहुत अकलमंद हैं। साइंस ये कहता है कि जब आपका दिमाग तेज होता है, तो वो हर छोटी से छोटी चीज पे बहुत जल्दी फोकस जमा लेता है। आमतौर पर ये एक बहुत अच्छी बात है, मगर इसका मतलब ये भी है कि एक तेज दिमाग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो अगर आप एक शोर शराबे वाले रूम में कुछ इम्पोर्टेंट काम करने की कोशिश करेंगे, तो आपका दिमाग उस शोर शराबे पर भी फोकस करने लगेगा, क्योंकि वो आदत के अनुसार हर चीज पे फोकस करने में माहिर है। चार्ल्स डार्विन, फ्रांस कैफ्का जैसे विद्वान को भी बीमारी थी। तो अगर आपको भी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड्स, क्योंकि आप साइंटिफिकली एक क्रिएटिव जीनियस हैं। नाउ साइन 3, आप खुद से बात करते हैं। खुद से बात करना आमतौर पर एक पागलपन का साइन समझा जाता है, पर असल में ये आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस का एक प्रूव है। 2015 में की गई स्टडी के मुताबिक जो लोग खुद से बात करते हैं, वो लोग ज्यादा जल्दी गोल्स अचीव कर पाते हैं। ऐसे लोग प्रॉब्लम को ज्यादा जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, और उनके सॉल्यूशन करके ज्यादा आसानी से प्रॉब्लम को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें इस प्रॉब्लम में छिपे हुए क्लूज और हिंट्स को विजुलाइज करने में कम दिक्कत आती है। जब आप खुद से बात करते हैं, तो आप उन दिशाओं में सोच पाते हैं जिनमें शायद आप बिना बोले कभी सोच ही ना पाए। यही नहीं, ऐसे लोगों का फोकस और कंसंट्रेशन भी ज्यादा होता है। तो अगर आप ऐसे लोगों में से हो जो शीशे के सामने खुद से गप्पे लड़ाते हो, तो ये तो नहीं पता कि आप पागल हो या नहीं, लेकिन हाँ, आप एक जीनियस जरूर हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें।